सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी और आज को आपको ये कहावत सच करती हुई खबर हम दिखा रहे हैं। और ये खबर जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी के नेता और शालीमार बाग की विधायक वंदना कुमारी के पति सज्जन कुमार से, जिन पर एक स्कूल के प्रिंसिपल को धमकाने का आरोप लगा है। वंदना कुमारी दिल्ली। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार, मैं सज्जन बोल रहा हूँ शालीमार MLA ऑफिस से। हाँ जी सज्जन बोल रहा हूँ शालीमार बाग MLA ऑफिस से। हाँ जी सर, यहाँ का रंजीत मिश्रा गया था एडमिशन के लिए, निखिल मिश्रा। हाँ जी निखिल मिश्रा गया था शालीमार गांव से एडमिशन के लिए, आपने बुलाया था 7 तारीख को, उसको लेटर भी दिया गया था, फिर बाद में उसको प्लीज यहाँ के बात करिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? फिर मैं आपसे आऊंगा वहाँ बात करने के लिए। मैं आऊंगा आपसे बात करने के लिए, आप मेरा डायरेक्टर लग रहे हैं। हाँ डायरेक्टर हूँ आपका, ऐसा है आप उनके डायरेक्टर होंगे, मेरे नहीं है। प्लीज यहाँ जिसको बात करनी है आपके पास। हेलो हेलो आप यहाँ बीच में झगड़ा बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, अच्छी बात है क्या? मैंने प्रतिभा स्कूल में जो आया है मिश्रा, वो भी वहाँ से उनको मिश्रा जी हमें अच्छी तरह मालूम है क्या करो, वहाँ चला जाएगा फोन बीस बार कैसा है पूरा रिपोर्ट हमारे पास है। मैंने तो मालूम नहीं हुआ सज्जन कुमार जीता है जो मर्जी करेंगे। अरे ओ सज्जन जी महाराज, देखो आप कैसे ऐसे मैं 72 रखता हूँ अपने साथ में, अरे तकलीफ आप सज्जन जी मैं चमचागिरी करने वाला नहीं हूँ, क्या ठीक है? मैं चमचागिरी करने वाला नहीं हूँ, आप जल्दी सुन लीजिए, और मैं चमचागिरी करने वाला नहीं हूँ। डिप्टी स्पीकर होता है सारा एक रिपोर्ट ऐसा है, मेरा रिपोर्ट पीछा है, मेरे को टर्मिनेट कराएंगे, करा दो ना। मैं अरे करा दो ना इसको, यहाँ पर जो है सारी बात स्कूल है उसको डिप्टी स्पीकर के ही गाइडलाइन में चलना होगा, और इसकी सब डॉक्टर जगह होगा। ऐसा है लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, मैं यहाँ नहीं बस ऐसा है, चलिए कराओ, करा दो ना, मैं तो मैं करा दो ना, मैं ऐसा ही कहता हूँ, कराओ मेरी आपका राजू पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन ये जो वाक्य हमने आपको बताया ये कोई पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी के विधायक पर गुंडागर्दी का आरोप लगा हो। एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एक और विधायक पर गुंडागर्दी का आरोप लगा, और ये मामला इंदरपुरी इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक पंप ऑपरेटर ने आरोप लगाया कि राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी विधायक विजेंदर गर्ग ने अपने गुंडे भेजकर उनके साथ मारपीट की, ऑफिस में तोड़फोड़ भी की। पीड़ित कमलेश का कहना है कि कुछ दिन पहले उनके ऑफिस में अपने आप को आम आदमी पार्टी का नेता बताने वाला नवीन और उसके साथी पहुंचे, विधायक विजेंदर गर्ग की धौंस दिखाई
और दूसरे इलाके की पानी सप्लाई बंद कर अपने इलाके में पानी सप्लाई करने के लिए दबाव बनाया। मना करने पर उन्होंने कमलेश और उनके बेटे की जमकर पिटाई। इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, तीन लड़के और थे और उसको लड़के को उठा के पत्थर मार दिया, तो मैं भागा तो मैं सब चिपट गए हमारे, ये सब कपड़े हमारे भी फट गए। इन लोगों ने आपके साथ और ये जो आरोप लगा आम आदमी पार्टी विधायक पर इस तरह का दबाव बनाने का, आरोपों से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है और उल्टा पीड़ित पर मारपीट का आरोप लगा दिया। पंप ऑपरेटर जो बताया जा रहा है उसकी पूरी फैमिली में नवीन कुमार दास पे अटैक किया और उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया और बस इतनी सी बात हुई है। और हमारे जो गए थे नवीन कुमार दास, सिर्फ एक या दो व्यक्ति गए थे और वो भी तब गए थे जब लोगों की बार बार उनके घर पे कंप्लेंट आ